हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम आपके लिए कंप्यूटर क्लास सेकेंड CBSE स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 के बुक क्वेश्चंस सॉल्व लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है और आप अवश्य उसे देखें तो इस क्वेश्चन बुक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी, चैप्टर समझाने के बाद, बुक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मैं सेकेंड क्लास कंप्यूटर की ओलंपियाड क्वेश्चंस भी चैप्टर 1 के प्रैक्टिस शीट लेकर आऊँगी, उसे भी देखना ना भूलें। साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो एंड वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड मेंशन बिलो इन द हेल्प बॉक्स। पहला है, ब्लैंक इज एबल टू टेक हिज डिसीजन हिमसेल्फ। अपने डिसीजन लेने के लिए वो योग्य है। कौन है? कंप्यूटर्स, फास्ट मैन, मिस्टेक, मेमोरी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैन। मैन इज एबल टू मेक हिज डिसीजन हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। MISTAKE, मिस्टेक। नंबर थर्ड, कंप्यूटर डज ऑल वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर अपना सभी वर्क बहुत तेज़ी से करता है। अ कंप्यूटर कैन डू मेनी वर्क, डू मेनी वर्क। नंबर फोर, अ कंप्यूटर कैन डू मेनी एट वंस, तो क्या हो जाएगा? कैन डू मेनी जॉब, यानी कि विभिन्न प्रकार के काम वह एक ही समय में कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट रेस्ट। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सिक्स, अ कंप्यूटर नीड नो रेस्ट। कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि मनुष्य क्या होता है, काम करके थक जाता है फिर उसे रेस्ट करना पड़ता है, जबकि कंप्यूटर कंप्यूटर नीड्स नो रेस्ट। नंबर सेवन, इज अ स्मॉल मशीन। कंप्यूटर इज अ स्मॉल मशीन। नंबर एट, कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। MEMORY, मेमोरी, यानी कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो कहाँ स्टोर कर सकता है? वह अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है। बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज समझाए थे, अगर आपने उसे अच्छे से देखा होगा तो ज़रूर ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। नंबर वन, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। यस, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, दिस इज ट्रू। कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स मेमोरी, यस ट्रू। मैन कैन नॉट टेक हीज ओन डिसीजन, मनुष्य अपने काम का डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, दिस इज फॉल्स, यह गलत है, मनुष्य अपने काम खुद डिसीजन लेकर करता है। अ कंप्यूटर इज अ लिविंग बींग, फॉल्स। कंप्यूटर इज अ लिविंग बींग्स, कंप्यूटर एक लिविंग बींग्स नहीं है। कंप्यूटर वर्क ऑन ऑर्डर, कंप्यूटर के अपने आप काम नहीं करता है, हम जैसा उसे ऑर्डर करते हैं उसके अकॉर्डिंग वह काम करता है, तो दिस इज ट्रू। अ मैन कैन डू मेनी जॉब एट वंस, नो, मनुष्य एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो ये क्या हो गया? मैन कैन डू मेनी जॉब्स एट वंस, फॉल्स। नंबर सेवन, वी कैन सी फिल्म एंड कार्टून ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हम फिल्म और कार्टून देख सकते हैं, दिस इज ट्रू। और नेक्स्ट, लैपटॉप इज ए स्मॉलर इन साइज देन पाम टॉप, गलत है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था, पाम टॉप जो है पाम में फिट हो जाता है, जबकि लैपटॉप हमारे लैप में फिट हो जाता है, तो छोटा क्या होता है?
पाम टॉप, लैपटॉप उससे बड़ा होता है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, मैच द फॉलोइंग फीचर्स विथ देयर रेस्पेक्टिव वंस। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ये कंप्यूटर्स है, ये मैन है, और ये कुछ फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन होगा उसको हम मैच करेंगे। नंबर वन, डज नॉट टायर, कौन थकता नहीं है, तो ये कंप्यूटर। नंबर टू, डज नॉट कमिट एनी मिस्टेक, ये मिस्टेक के लिए कोई कमिट नहीं करता है, यानी वो किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होगा, ऐसा कोई कमिट नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, मैन। नेक्स्ट है नीड नो ऑर्डर, इसको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, मैन को। कैन रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग, कैन रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग, वो बहुत सारे लॉट्स ऑफ थिंग को रिमेंबर कर सकता है, कौन कर सकता है, कंप्यूटर। हैव फीलिंग, हैव फीलिंग यानी महसूस कौन करता है, मैन। कैन नॉट वर्क विदाउट ऑर्डर, कंप्यूटर जो है कोई भी काम बिना ऑर्डर के नहीं कर सकता है, तो क्या हो गया, कैन नॉट वर्क विदाउट ऑर्डर। नंबर सेवन, हैज ए स्मॉल मेमोरी, स्मॉल मेमोरी किसके पास होती है, मैन के पास, जबकि कंप्यूटर के पास क्या होती है, लॉट्स ऑफ मेमोरी होती है। एंड नंबर एट, कैन डू वन जॉब एट अ टाइम, एक समय में एक काम जो है मैन कर सकता है, कंप्यूटर जो है मेनी जॉब एट ए वंस टाइम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर वन, इफ टू वे हैव अ कंप्यूटर इज बेटर देन मैन, हमें ये बताना है कि दो कौन से ऐसे कारण हैं जो कंप्यूटर मनुष्य से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। नंबर वन, कंप्यूटर रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग, कंप्यूटर बहुत सारी मेमोरी याद कर रख सकता है। एंड सेकेंड, कंप्यूटर कैन डू मेनी जॉब एट वंस, कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर वन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टू लैपटॉप, एंड थ्री पाम टॉप। जैसा कि हमने बच्चों एक्सरसाइज में पढ़ा था, थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर थ्री, व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर वेरी कंप्यूटर आर हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत भारी होता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना मुश्किल होता है। नंबर फोर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड पाम टॉप। पाम टॉप इज स्मॉलर इन साइज देन लैपटॉप। पाम टॉप लैपटॉप की तुलना में बहुत ही छोटा साइज का होता है। नंबर फाइव, व्हाट डू यू मीन बाय लैपटॉप। लैपटॉप स्मॉलर इन साइज, इट वर्क ऑन ए बैटरी एंड इट इज़ ईजी टू कैरी वन प्लेस टू अनदर। लैपटॉप एक स्मॉलर साइज में छोटा कंप्यूटर होता है और यह बैटरी से भी चलता है और इसको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर ई, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। इस पिक्चर्स को हम देखेंगे और फिर इसके पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके हम इसका नाम लिखेंगे। दिस इज़ पाम टॉप, नेक्स्ट दिस इज़ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हमेशा क्या रहता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ये चारों ऑप्शन डेस्कटॉप में साथ में रहते हैं। अब हम ये कुछ एक्टिविटी है बुक में जो भी हम करेंगे, जिससे कि बच्चों का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो, ऑब्जर्व देम एंड टिक द मार्क विच यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये सारे काम कौन कौन से काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं और कौन कौन सा नहीं। नंबर ए, रनिंग कर सकते हैं, नहीं। सेंडिंग ईमेल कर सकते हैं, यस, मेल हम सेंड कर सकते हैं। टाइपिंग लेटर, यस। टीचिंग एड्स लगा सकते हैं, यस। प्लेइंग हॉकी खेल सकते हैं, नो, हम इस प्रकार का फिजिकल हॉकी नहीं खेल सकते हैं। प्लेइंग गेम्स, इस तरह का हम फिजिकल गेम्स कंप्यूटर पर नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन किया करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता था, दिस इज यस। मॉर्निंग वॉक, नो, इस प्रकार का हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं। और देन बुकिंग टिकट्स, टिकट्स को हम बुकिंग कर सकते हैं, यस।
आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।